एनआईए के अहदेदारों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से वाबस्ता अफराद के मकानात में धावे किए। जरा के मुताबिक एनआईए अहदेदारों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई मकामात पर पीएफआई से वाबस्ता अफराद के मकानात में हफ्ते की आधी रात को धावे करते हुए उनकी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात हासिल की। जगतियाल के मुख्तलिफ महलों में पीएफआई से ताल्लुक रखने वाले अफराद के घरों में तलाशी की और बाज़ किताबों को जब्त करने की इत्तला है। जगतियाल के एक टावर सर्कल के पास मौजूद मेडिकल की भी तलाशी ली गई। इस वाकये के बाद जगतियाल में आवाम के दरमियान तशवीश और खौफ का माहौल देखा गया। जगतियाल के इस्लामपुरा करीम नगर में भी एनआईए ने बाज़ अफराद के मकानात पर हफ्ते की अव्वलीन वक्त धावे किए थे। सुबह कितने बजे से? 4 बजे घर पर आके पूरे लेडीज को एक तरफ कर दिए, पूरे फोन छीन लिए हमारे पास से, खाली एक भाई को पकड़ लिया, इसको सवाल कर रहे, घर पूरा तबाह कर दिए, छन्नी छन्नी लाखा पलंग के दो शाखा निकाले, सुटके सा निकाले, अलमारी के लाखा निकाले, मेडिकल लाके पूरा चेक करे, मेडिकल के ताले तोड़े बगैर आर्डर के, क्या है ये? फिर प्रूफ दिखा के जाओ हमारे पास, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। घर पे आए रात में 3-3.30 बजे घर पे आए, घर पे भी सर्च करे सुबह 7 बजे तक, घर पे भी कुछ भी नहीं मिला, नील मिला, घर पे भी कोई चीज नहीं मिली। कब से करे रात में? रात में 3:30 बजे से करे, मेडिकल में भी कुछ भी नहीं मिला, दोनों जगह भी कुछ भी नहीं मिला, नील मिला सर्चिंग के। वहीं तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अहलकारों की तलाशी मौजू बहस बन गई है। इतला के मुताबिक निज़ामाबाद का एक शख्स जिसे दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने के शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, जो चंद दिनों से आदिलाबाद में मुकिम था। एनआईए के अहदेदारों ने रेड करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया है। खबर है कि इस शख्स से लैपटॉप, सेलफोन, तस्वीर और हार्ड डिस्क जब्त कर ली गई है। तमाम हिरासत में लिए गए शख्स की अजला में सरगर्मियों, उसकी नकल व हरकत और दिगर पहलुओं की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। गिरफ्तार करने के बाद पहले इस शख्स को डिस्ट्रिक्ट जेल ले जाया गया और तफ्तीश के बाद हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है, हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।